हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप को प्रोड्यूस करना, उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द क्रॉप प्रोडक्शन? So the human require a food for the survival as the energy obtained from it. Obtained from the food is used for the various metabolic activities. मतलब कि human जो food use करता है और उससे हमें जो energy मिलती है, that energy is used for the various activity. Different activities में वो energy use होती है. तो डिफरेंट एक्टिविटीज कौन सी? जैसे कि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, एक्सक्रिएशन, तो ये सब बॉडी के अंदर की एक्टिविटीज है। इनके लिए तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, प्लस जो हम बाहर की एक्टिविटी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ उसके लिए, आप पढ़ रहे हो उसके लिए, आप सुन रहे हो उसके लिए, दौड़ना, खेलना, टीवी देखना, ये सब चीजों के लिए भी एनर्जी चाहिए और ये सब एनर्जी हमें फूड में से मिलती है। दैट्स यू नो, ये पुराना टॉपिक है एंड वी गेट दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड। बट ये फूड जो होता है वो हमें मिलता है बाय द प्लांट्स और एनिमल, या तो प्लांट या तो एनिमल में से हमें मिलता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो ये हम बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये हमें मिलता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से। एंड द एनिमल टू बाय द प्रोसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि जो एनिमल में से हमें फूड मिलता है वो एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है? जैसे कि एनिमल का हम बाय करके भी आए हैं गाय, तो उसमें से मिल्क मिलता है, हनी भी, तो उसमें से हमें हनी मिलती है, फिशरी का बिजनेस इसका होता है, तो ये सब जो आता है वो आता है एनिमल हस्बेंड्री में। बट हमारा ये जो टॉपिक है उसमें है फर्स्ट वर्ड क्रॉप। तो क्रॉप किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे है कि when the plant of same kind are grown and cultivated at a one place, same ही type के plant, एक ही type के plant जब कोई एक ही जगह पर grown किए जाते हैं and cultivate किए जाते हैं on the large scale, बहुत बड़े एरिया में, सिंगल एक दो प्लांट उसके क्रॉप कर ग्रो कर दिए ये नहीं होता, बहुत लार्ज स्केल एरिया में हम उसको जब बोते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि बीट, राइस, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जो सारे एग्जाम्पल्स है वो है हमारे क्रॉप के। एंड दिस इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, मतलब कि जैसे ऐसा नहीं हो कि कोई क्रॉप है तो हर बार साल में पूरे कभी भी आप उसको ग्रो करो जाता है, नहीं ऐसे नहीं होता, वो पर्टिकुलर किसी सीजन में ही ग्रो होते हैं। अगर हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज द वास्ट कंट्री, इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री है और इसकी जो क्लाइमेट कंडीशन है, उसकी जो क्लाइमेट कंडीशन है वो भी इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब चीज जो है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर टॉप, उसमें ठंडी ज्यादा रहती है, तो राजस्थान की बात करें तो वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है, चेरापूंजी की बात करें तो वहां बारिश ज्यादा रहती है, तो अलग अलग एरिया में, इंडिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन देखी जाती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक्सेट्रा, उसकी वजह से, ये क्लाइमेट कंडीशन की वजह से अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉप पाए जाते हैं। क्योंकि काफी क्रॉप ऐसे होते हैं जिसको पानी ज्यादा चाहिए, काफी क्रॉप ऐसे होते हैं जिनको गर्मी ज्यादा चाहिए, काफी क्रॉप ऐसे होते हैं जिसको ठंडी ज्यादा चाहिए, तो उसकी हिसाब से, उसी हिसाब से हमारे इंडिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के क्रॉप पाए जाते हैं। उसके हिसाब से अगर हम दो टॉपिक में हम इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ क्रॉप, जिसमें हम फर्स्ट टाइप का जो है उसको हम बोलेंगे खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप किसको बोलेंगे? द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन, कि जो रेनी सीजन में ही जिसको ग्रो किया जाता है, इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। तो ये ऐसे क्रॉप है जिसको ज्यादा पानी चाहिए, इसको हम बोलेंगे खरीफ क्रॉप।
तो रेनी सीजन इंडिया में हमारी जब स्टार्ट होती है वो होता है जून मंथ से लेकर सितंबर तक। तो इस महीने में जून से लेकर सितंबर जब हम जिसकी खेती करते हैं वो होता है पेडी, मीट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब ऐसे प्लांट है, ऐसे क्रॉप है जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं, इनको ज्यादा पानी चाहिए। दूसरी हम बात करें तो रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप में हम बात करेंगे तो जो विंटर में, ऐसे क्रॉप जो विंटर में लिए जाते हैं, तो उसके एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारी जो ठंडी की सीजन होती है वो अक्टूबर के आसपास स्टार्ट हो जाती है, से अक्टूबर से फरवरी मार्च तक रहती है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये पीरियड दरमियान जो जो हम क्रॉप लेते हैं, वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, ये सब क्रॉप है, वो है हमारे रबी क्रॉप। तो ये क्रॉप जो है उनको ठंडी ज्यादा चाहिए, इसीलिए इसको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। ओके, अभी मेन हम बात करेंगे वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि मान लो कि हमें भी खेती करनी है, तो थोड़े से सीड ले लिए और फील्ड में डाल दिए और क्रॉप तैयार हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता। तो उसके लिए काफी सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम पहले स्टेप्स की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, फार्मर सीड्स को ग्रो करने से पहले सॉइल को पूरी तरह से तैयार कर देता है। जैसे अपने गुजराती में कहिए कि खेड़ी नाखू, एमा खातर एड करूं, एक्सेट्रा, तो डिफरेंट डिफरेंट। सेकंड थिंग है वो है शोइंग, बीज को सॉइल में डालना। थर्ड, एडिशंस ऑफ मैनर एंड फर्टिलाइजर, मतलब कि उसमें खाद ऐड करना। नेक्स्ट इज इरिगेशन, पानी देना। एंड द लास्ट थिंग इज स्टोरेज, द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि क्रॉप जो होता है वो हमने आगे बताया कि लार्ज स्केल एरिया में लिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि बीज को फार्मर ने लिया वो सिर्फ अपने खाने के लिए यूज करता है, नहीं, वो उसको सेलिंग भी करता है। बट सेलिंग का टाइम क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कोई फार्मर ने अभी क्रॉप ले लिया, उसके बहुत सारा धान पैदा भी हो गया, अभी उसको सेल करना है, बट उसकी कॉस्ट जो है वो अभी कम है, तो उसको ज्यादा पैसे चाहिए, उसके लिए वो क्या करता है, उसको स्टोर करेगा, और जब उसको अच्छी प्राइस मिलेगी तब उसको सेल करेगा। तो तब तक तो उसको स्टोर करना पड़ता है, तो ये स्टोर करने के लिए उसको अच्छी सी जगह चाहिए होती है, तो वो हम सीखेंगे स्टोरेज में। तो ये सब स्टेप्स है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के, उसमें हम हमारा फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की हम बात करेंगे, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर गोइंग टू क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर। इज टर्न इट द सॉइल एंड लूजन इट, सिर्फ एक दो चीजें, प्रिपरेशन सॉइल मतलब दो स्टेप। फर्स्ट इज टर्न इट द सॉइल, सॉइल को टर्न करना, नीचे वाली सॉइल को ऊपर, ऊपर वाली सॉइल को नीचे। एंड सेकंड थिंग इज लूज करना, मतलब कि सॉफ्ट करना। जब भी एक क्रॉप हम लेके खत्म कर देते हैं उसके बाद जो सॉइल होती है ना वो सॉइल हार्ड बन जाती है, बहुत हार्ड, उसके लिए इसको स्टॉप लूज करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, आप नेक्स्ट क्रॉप जो लोगे वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा। और दूसरा होता है टर्न द सॉइल, तो सॉइल क्यों टर्न करनी पड़ती है, सॉइल इसीलिए टर्न करनी पड़ती है क्योंकि जब हमने कोई एक क्रॉप ले लिया तो हमारे सॉइल में जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन उसमें से खत्म हो गए, तो ऊपर वाले जो पोर्शन में न्यूट्रिशन थे वो तो क्रॉप ने ले लिए, तो नीचे वाले जो पोर्शन में क्रॉप न्यूट्रिशन होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इसलिए हम जब न्यू क्रॉप, नया क्रॉप हम ग्रो करते हैं तो उसमें अच्छे से न्यूट्रिशन उसको मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट द डीप इन टू द सॉइल। तो सॉइल लूज करने का एक दूसरा पॉइंट, मेन हमारा उद्देश्य जो है कि पेनिट्रेट द डीप इन टू द सॉइल, जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में बहुत अंदर तक जा सके। Next, the soil, loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. So, loose करने से जो roots होते हैं वो आसपास के area में से अच्छे से breathe कर पाते हैं। Loosened soil helps the growth of earthworm and microbes present into it. तो जब भी soil loose होती रहती है तो उसमें काफी सारे microbes create हो जाते हैं, earthworm आ जाते हैं। तो microbes and earthworms are the friend for the farmer. Friends farmer for the फार्मर, ये ओके। तो हम बात कर रहे थे अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स जो है वो
वो है फ्रेंड्स, अच्छे फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं कि जो सॉइल को टर्न करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं हमें. ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ अ सॉइल सपोर्ट्स अ प्लांट ग्रोथ. मतलब सॉइल का अंदर हम देखें तो बहुत डेप्थ तक है, बट वो सारी सॉइल फर्टाइल नहीं होती. जो हमारी टॉप सॉइल होती है, जैसे कि हम फ्यू सेंटीमीटर्स की बात करें, 10 से 15 सेंटीमीटर तक का जो लेयर होता है, या मैक्सिमम 20-25 सेंटीमीटर तक का जो लेयर होता है, वो वेरी हेल्पफुल रहता है फार्मर के लिए, क्योंकि उसमें रिच न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है. सो प्लांट ग्रोथ टर्निंग एंड द लूजनिंग द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप. यानी कि जब हमने देखा है टर्न द सॉइल, तो टर्न द सॉइल करने से नीचे वाली जो सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, इसीलिए जो न्यूट्रिशन होते हैं वो उसमें आ जाता है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग और अ प्लाउइंग. तो ये लूजनिंग एंड टर्निंग किससे होगा, तो वो होगा टिलिंग एंड प्लाउइंग से, एंड दैट कैन बी डन बाय द प्लाउइंग द फील्ड. और उसके लिए कौन सा औजार चाहिए, जो है प्लाउ. तो लेट्स एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की बात करें, उसमें फर्स्ट बात करते हैं प्लाउ. दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस द एंशिएंट टाइम. ये प्लाउ आपने देखा है, ये बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहा है फॉर द टिलिंग द सॉइल, एडिंग द फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल एक्सेट्रा. उसमें इट कंटेन द स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप इज कॉल्ड द प्लाउ सेल. ये नीचे वाला जो ट्राइंगुलर पोर्शन होता है, मेटल का बना हुआ होता है, इसको हम बोलेंगे प्लाउ शेयर. And the main part of the plow is a long log of the wood is called the plowshare. ये लंबा, ये जो shaft है wood का बना हुआ, इसको हम बोलते हैं plow shaft. और ये beam, beam यानी ये जो दोनों bell है, वो bell के neck पर जो रखा हुआ है ये portion, इसको हम बोलेंगे beam. So the indigenous wood plow is increasingly being replaced by the iron plow nowadays. अभी ये plow की बदले ये जो मेटल वाला प्लाउ है वो यूज होने लगा है. नेक्स्ट इंप्लीमेंट है वो है हॉय. तो इट इज अ सिंपली टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड फॉर लूजन द सॉइल. ये जो चीज है वो दो चीज के लिए यूज होता है. एक है वीड्स. वीड्स क्या है, वो अनवांटेड प्लांट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अभी सिर्फ वीड और सॉइल को लूज करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होता है. तो इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन. ये जो लंबा रोड है वो मे बी आयरन का और तो वुडन का होता है. फिर अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्स्ड ऑफ वन ऑफ द एंड एंड वर्क लाइक अ ब्लेड. ये वाला जो पोर्शन बेंट प्लेट होती है, तो ये वाली जो पोर्शन होती है वो सॉइल में चली जाती है, और ये जो ग्रीप है उससे फार्मर ऊपर से प्रेस करता है. और ये जो बीम है होती है, वो बीम को ये दोनों साइड से दो बेल होते हैं उनके नेक पर रख देते हैं, और यहाँ से पुश करेगा तो ये जो पोर्शन है वो सॉइल में जाएगा. उसकी वजह से हमारी सॉइल, फिर जैसे बेल आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो सॉइल है वो सॉफ्ट होती जाएगी. अभी ये सब जगह, मतलब कि जो हमने आगे देखा प्लाउ ये हो, उसके बदले नेक्स्ट अभी जो है वो कल्टीवेटर यूज होता है. आपने देखा ये कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये वाला पोर्शन. तो ये यूज करने में क्या फायदा है, तो इससे हमारा लेबर वर्क बहुत कम हो जाता है और टाइम भी हमारा जो है वो सेव हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एक था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल को कैसे फार्मर प्रिपेयर करते हैं वो हमने दिखा दिया आपको. दूसरा है शोइंग. शोइंग यानी बीज को सॉइल में डालना. सॉइल तैयार हो गई, अभी बीज को अंदर एड करना है. बट ऐसा नहीं कोई भी सीड्स लाके हमने उसमें डाल दिया. शोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर शोइंग द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सिलेक्टेड, फार्मर प्रिफर टू यूज अ सीड व्हिच गिव अ हाई यील्ड. तो बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी सीड्स इज सिलेक्टेड, ऐसे जैसे सीड्स नहीं डाल देते, उसके लिए जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं, जिसमें से अच्छा क्रॉप यानी अच्छा यील्ड प्रोड्यूस हो, वो यूज करता है फार्मर. तो एक बेसिक मेथड है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर सीड्स गुड क्वालिटी है या बेड क्वालिटी है, वो चेक करने के लिए फार्मर क्या करता है, वो जो सारा सीड्स है उसको वाटर में डाल देते हैं. तो वाटर में डालने से जो सीड्स नीचे सिंक हो जाएंगे, जो हैवी सीड्स है वो गुड क्वालिटी वाले बेस्ट है,
पर काफी सीड्स उसमें से ऐसे निकलेंगे कि जो टॉप में फ्लोट होने लगेंगे। तो जो फ्लोट होने वाले जो सीड्स हैं वो लो क्वालिटी वाले होते हैं, तो फार्मर्स ऐसे सीड्स यूज नहीं करते हैं। अभी शोइंग करने के लिए ट्रेडिशनल टूल की हम बात करें तो ये ट्रेडिशनल टूल में एक है जिस फनल टाइप का ट्रेडिशनल टूल, जो ये फनल टाइप का, इसमें सीड्स डालते हैं। ये सीड्स एक पाइप में से नीचे, फिर ऐसे एक पाइप होती है और इसमें तीन से चार होल होते हैं। तो ये जो हमने सीड्स यहाँ पे डाला वो सीधा सोइल में चला जाएगा। So the tool used traditionally for showing the seed is shaped like a funnel, and the seeds are filled into the funnel, passed through the two or three pipes having the sharp end. इसके नीचे sharp end होते हैं, and these end fits into the soil and place the seed there. और ये soil के अंदर उसको place करते हैं। दूसरा जो use होता है वो है seed drill. ये tractor के साथ join होता है, ये bell के साथ join होता है ये वाला tool, और ये वाला जो tool है उसको हम tractor के साथ join करते हैं। This tool show the seeds uniformly at a proper distance and depth. ये टेक्नोलॉजी यूज करने से क्या फायदा होता है कि जो सीड्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में, एक पैरेलल डायरेक्शन में, और हर एक के बीच में डिस्टेंस भी सेम रहता है। तो इससे क्या होता है, हर एक सीड को एनर्जी, न्यूट्रिशंस, वाटर सेम मिलता है। इट एंश्योर दैट द सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर द सोइल। एक चीज ध्यान रखनी है कि सोइल को, सॉरी सीड्स को सोइल के अंदर डालने के बाद उसको कवर करना जरूरी है। अगर कवर नहीं करेंगे तो उसको बर्ड्स या दूसरे माइक्रोब्स उसको खा जाएंगे। ओके, ये सीड ड्रिल यूज करने से क्या फायदा रहता है हमारा, सेविंग द टाइम एंड द लेबर, टाइम और लेबरिंग हमारा बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो है एडिंग अ मैनर एंड द fertilizer, that will be discussed in the next video. Okay students, now prepare और अच्छे से एक बार ये समझ लें।